नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश कुमार। इस वक्त हम विधानसभा 353 में आए हुए हैं, जहां मधुबन जानते हैं 2022 में जनता किस क्या मूड है और किसकी सरकार बनाना चाहती है। क्या नाम है? राहुल राय। 2022 में किसी से चाहते हैं? बीजेपी में क्या खासियत और दिखी और क्या है भाई? बहुत कुछ मिला है बीजेपी। यहाँ के दारा सिंह चौहान भी 5 साल बीजेपी के कार्यकाल में रह चुके हैं, और तो हम उन्होंने क्या विकास किया? हम दारा सिंह को नहीं जानते हैं ना, दारा सिंह हम तो आगे जानते हैं, जैसे योगी है। आखिर आपकी पार्टी से ही, बीजेपी की पार्टी से दारा सिंह चौहान थे, जो बीजेपी में 5 साल उनका कार्यकाल भी हो गया और धरातल पर उनका कोई काम? ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ उनको काम करना था वो किए हैं काम, ऐसा नहीं है काम नहीं किए। अब आदमी जिसे मान लीजिए कि जो सबको जो सुविधा मिली है वो अन्य पार्टी में नहीं मिली है, जैसे राशन मिला, गरीबी तबके के लोगों को जो राशन फ्री में मिला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी गवर्नमेंट की। तो लोग करेंगे राशन देने से क्या लोगों को मजबूरी बनाया जा रहा है? ई श्रम कार्ड जो बना है उसमें जो पैसे पड़ रहे हैं वो भी तो एक बीजेपी का ही तो रूल है, अलग से तो कोई इसके पहले तो ई श्रम कार्ड बना ही नहीं था। हम लोग खुद हैं, मैं एक ग्राम प्रधान हूँ अपने गांव का, यहीं बगल का गांव है रौदा भगवानपुर। तो ये मतलब कि हम तो यही कहेंगे कि बेटर बीजेपी ही है, कांग्रेस का जनाधार नहीं है। इसके पहले कांग्रेस थी, उसके जब से योगी जी और मोदी जी जब से आए हैं बहुत अच्छा गया है उसका। जब यहाँ से दारा सिंह चौहान जब कोई विकास ही नहीं किए और विकास की बात कर रहे हैं, तो आखिर नेक्स्ट किसी के घर का विकास नहीं होता है, किसी के व्यक्तिगत किसी का विकास नहीं होता है। विकास देखा जाए तो ये सब विकास ही है ना, रोड है, बढ़िया रोड बन रहा है, सब कुछ किसका है ये? तो रोड जो बनी है तो सपा भी गिनाती है कि रोड का नियंत्रण हमारा ही था, बीजेपी सिर्फ फीता काटे। अभी मेरे 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 यहाँ जो हेड साइफन से और हेड कैनाल तक वो 10 साल में दुर्गत रही है यहाँ पे। इसके पहले अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती तो नहीं बना होता। तो बाहरी लोग आते थे, रिलेटिव कोई आता था तो हम लोगों के दरवाजे पर आते थे, कहते यार रास्ता बनवा दीजिए, आप लोग रास्ता बनवा दीजिए। कैसी पड़ी दारा सिंह बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए? अब उनका क्या है वो तो भाई पार्टी तबके की बात है, अब उसमें है उतना, हम लोग हम तो ग्राम प्रधान हैं, अब उसमें तो पार्टी तबके। तरह के यहाँ विधानसभा मधुबन में किस तरह के प्रत्याशी आप चाहते हैं? बीजेपी का हो, दमदार प्रत्याशी हो, जो सबसे घुल मिल के रहे। विधायक कोई पीएम नहीं होता है, लेकिन विधायक का ये है कि भाई सबसे घुल मिल के रहे, हर आदमी की दुख सुख सुने। हमारा नाम तो राम बल जी सब कहला है। 2022 में केकर सरकार चाहते हैं, सपा का कि बीजेपी का, बीएसपी का कि कांग्रेस का? अरे हम जब सपा ही हैं तो केकर चली बताएं, सपा ही है। आखिर सपा में क्या खासियत है? सपाई आप हैं तो सपा में क्या खासियत दिखत है आपके? देखिए सपा में खासियत ये बाकी पेंशन सन का घोषणा करत बाना, अब जितना भी कर्मचारी 2004 से रिटायर भेल उनका पेंशन ना बा, अगर मान लिया जाए अगर कर देना तो पेंशन तो घोषणा कर रही है पेंशन के लिए कि हम अब एक हम पेपर में ना देख लिये कहीं, लेकिन इनका तो हम कहीं नहीं पेपर में देख ली। आई वो तो खैर ठीक है, सरकार इतनी त्रस्त कर दे जनता के, लेकिन जनता ना बुझत बा है, खाली 5 किलो राशन दे के आ सबके एकदम तो बताई। आखिर सरकार 5 किलो राशन दे बा, अब ऐसे बढ़िया का चाहिए? मन 5 किलो राशन दे के जान मार दे, 5 किलो राशन मिलत बा ना सरकार? 5 किलो हर महीने में, 5 किलो राशन, 10 किलो हर महीने में आपके। आई महंगाइया, आई महंगाइया कहाँ जाती है? अगर आज तेल जो डीजल पेट्रोल बढ़त है यही सरकार में बढ़ जाता ना। अच्छा दूसरे बच्चे की महंगाई अगर दूसर सरकार 5 साल के अंदर रहत तो हमारे का महंगाई कम से कम 80 से ऊपर चल गई रहत, अरे वही कितना है 32%। 5 साल समाप्त हो गल आ 5 साल में तो हमारे महंगाई बढ़ते ज़्यादा बढ़त कि ना बढ़त?
यहाँ का तो श्रीराम सोनकर भी विधायक रहल हम बीजेपी से अपने विकास बीजेपी तो हम तो उनके भी देखबे नहीं कहीं कैसा सोनकर आप इतना कम से कम 70-80 साल को हो गए हाँ वो तो श्रीराम उनके क्षेत्रवा में तब के हम देखल जाये क्षेत्रवा में तब के हम देखल जाये तो अगली बेर वोट के कल रहनी अगली बेर वोट के दिल रहनी अब कुल का कल जाये 2017 में वोट के दिल रहनी 2017 में वोट के दिल रहनी हम सपा को दिल सपा के प्रमोद चौहान नाम है उर्फ नुन्ना चौहान इसमें केकर चाहत हुआ सरकार हम लोग चाह रहे हैं जोगी को और मोदी को जोगी मोदी को बिल्कुल जा रहे हैं तो कौन का विकास अच्छा दिखत बा विकास हम लोग का मोदी का बहुत अच्छा विकास है बहुत 100% आगे उनका विकास है अब जिस रोड से सरकार गड्ढा मुक्ति बात बार बार करती है और जिस रोड से आप आए हैं उसी में अभी गड्ढा मुक्त नहीं इस पे क्या कहेंगे देखिए इसको लेकर हम कहेंगे सरकार वो करेगी वो तो करने वाली है हर रोड अच्छा बन रहा है ये भी रोड अच्छा बनेगा पांच साल तो उनका कार्यकाल भी श्रीराम सोनकर का बीत गया है और इस पे अब विकास नहीं नहीं भैया विकास बहुत बढ़िया कर रहे हैं जो भी कर देखिए रोड जो भी दुनिया में कहीं नहीं बना था वैसा रोड मोदी ने बनाया और जोगी ने बनाया ठीक है तारा सिंह चौहान है जो बीजेपी में थे और सपा में क्यों चले आए वो बार बार दलित बात करते हैं कि दलित नहीं देखिए आज जात पात नहीं होता ये गलत वाली बात है ये जात पात कभी नहीं किया वो लोग है तो हम कैसे कहेंगे क्या नाम है दुखुराम 2022 में केकर सरकार बनावल चाहत नहीं अब खड़ा होने दीजिए एकदम खड़ा हाँ खड़ा होने दीजिए मेरी पार्टी सुभाषपा भारतीय समाज पार्टी मेरा मंत्री और मेरा अगुआ नेता ओम प्रकाश जहाँ जाएगा वहाँ मैं जाऊँगा और बोलवाएगा कुछ प्रकाश तो बीजेपी में रहा ना उनके पद वित्त मंत्री का दल गए तो आखिर छोड़ दिया वो अपना हक मांग रहे थे हक न पूरा नहीं पाए वो छोड़ करके भग गए हम आपसे कोई वादा लेकर आए हैं आप हमारी वादा को पूरा नहीं करेंगे तो क्या हम आपके साथ रहेंगे कासापा में वादा पूरा हो जाए हो सकता है वो बहुत तो भविष्य की बात है अगर उन सपा में भी अगर वादा पूरा होना है तब क्या करिए वो भी छोड़ देंगे सपा को भी छोड़ देंगे जाएंगे? कहीं जाएंगे ना तो भविष्य वाली बात है सभी दलों पे तो इधर से उधर हो चुके हैं अब किस दल पे जाएंगे अरे भाई तो वो तो बाद वाली बात ना है वो तो वो समझेंगे ना हम लोग तो उनके पीछे हैं वो तो वक्त बताएगा वो समझेंगे हाँ और बोलिए चलिए आप जहाँ आपके मंत्री जी जाएंगे वहाँ आप जाएंगे हाँ हम वहीं जाएंगे श्रीराम सोनकर यहाँ विधायक रहा हम पाँच साल का देख लो ना कहाँ हैं कई बार देख ले कई बार मिला ना तब से जीते हूँ तब से श्रीराम सोनकर जब से जीत करके गए हैं तब से उनको मैं एक बार देखा यहाँ बस पाँच साल में एक बार हाँ तो कहा कोनो बात विकास विकास का बात ना कर लिया आपकी रोड वोड हम लोगों के यहाँ वो रुके ही नहीं तो हम लोग विकास की बात करें कैसे फिर तो आवे वाला बाण आपके यहाँ तो फिर का सोच यहाँ तो अब का सोचल जाये कौन चीज सोचल जाये बताइए आप अब आने के बाद हम लोग क्या सोचेंगे 2022 में फिर यहाँ तो का अब उनके अब तो आएगा तो देखा जाएगा बाद में जो बात होगी होगी इस वक्त वर्तमान में हम लोग ओम प्रकाश के साथ आए क्या नाम है राजेंद्र यादव 2022 में क्या सरकार चाहते हैं अब क्या बताएं सर हम क्या बताएं दुनिया देख रही है क्या हो रहा है यही सब विद्यालय सब बंद है स्कूल सब बंद है सब यही तो वो देख रहे हैं राशन ले लो चावल ले लो पिसान ले लो विद्यालय बंद कर दो क्या विद्यालय बंद होने से क्या बच्चों पे कितना बहुत फर्क कितना प्रभाव पड़ा है बहुत फर्क पड़ रहा है तो क्या ये कोरोना का क्या कोरोना को हल करवाइए समस्या को हल करिए 2022 में किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं कांग्रेस का अब देखिए भाई जनता के ऊपर अभी एक आदमी के कहने से नहीं ना होगा सरकार बनेगी वो दुनिया सभी लोग लपटेंगे जब भी होगा चाहे भाजपा का बने चाहे सपा का बने यही बात है मैं भी कोरोना की जो तीसरी लहर आ चुकी है ओमिक्रॉन इसमें क्या कहेंगे जो बच्चों को डर दवाई मंगाइए सबको सुरक्षित रखिए एंटीवायरस इंजेक्शन तो लगाया जा रहा है ठीक है सर हम लोग भी लगवाए हैं ये बात नहीं है इंजेक्शन तो हम लोग भी लगवाए हैं आमन का तो चाहते हैं कि अखिलेश का सरकार बने अखिलेश सर हाँ जी दिया श्रीराम सोन करो तो रहा बाना कोनो काम ना के लिए बाना का ठीक है कोनो विकास ना के लिए पाँच साल में कहा है नहीं भाई किए होंगे हम तो इधर का नहीं है हम तो गाजीपुर जिले का है गाजीपुर के जी किसे चाहते हैं 2022 में बीजेपी सरकार चाहते हैं हम और
यहाँ विकास हो, ये प्रथम प्राथमिकता हमारी है। यहाँ के दारा सिंह भी तो बीजेपी में थे और विकास तो कोई दिख नहीं रहा है धरातल पे। और नहीं सर, तो इसीलिए हम चाहते हैं यहाँ लोग प्रत्याशी जो भी हो, यहाँ लोकल हो, जो शिक्षित हो, हमारे जो मधुबन विधानसभा हो उसका विकास हो, इस तरह की भावना रखने वाला हो। लोकल प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? लोकल प्रत्याशी जो शिक्षित हो, काम करने वाला हो, जो हमारे मधुबन विधानसभा का विकास करने वाला हो, सभी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों जो लोकल हो, जो जिससे सारे लोगों का संबंध हो, आदमी उनसे आराम से अपनी बातें रख सके, इस तरह का मुझे प्रत्याशी चाहिए। तो बार बार विकास की बात करते हैं और विकास में कुछ दिखा नहीं धरातल पे, और सपा कर रही है कि हमारी योजना हो के बीजेपी अपना योजना गिना रही है, ये सरासर झूठ है। विकास तभी दिखेगा जब हम दो साल तीन साल, एक तो दो साल कोरोना काल में निकल गया, दो साल बचा, उसमें आदमी अभी जो योजनाएं चल रही हैं उसका आगे भविष्य में ही पता चलेगा कि वो विकास क्या हुआ है। और योजनाएं बहुत सारी लागू हो चुकी हैं जो बीजेपी सरकार में हुई हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जब हम आगे आने वाले सरकार में जो पाँच सालों में वो दिखेगा। पूरे दारा सिंह बीजेपी छोड़ क्यों सपा में क्यों चले गए? दारा सिंह इसीलिए चले गए कि जब यहाँ सर्वे किया गया तो जनता उनसे बहुत नाखुश थी, क्योंकि वो बीजेपी से जीत तो गए थे लेकिन जो अपेक्षाएँ थी उनसे उसके अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया। अगर वो फिर आते तो शायद बीजेपी यहाँ से जीतने में असमर्थ रहती, इसलिए उन्हें लगा कि हो सकता है कि मुझे टिकट भी ना मिले, तो उन्होंने छोड़ के अपनी दूसरी पार्टी बना ली, दूसरी पार्टी में चले गए। कैसा विधानसभा मधुबन में कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? मधुबन विधानसभा में मुझे लोकल प्रत्याशी चाहिए जो इस जनता के बीच का हो, और इस मधुबन विधानसभा में सभी जो ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग उन्हें जानते हों, कि वो आसानी से उनसे मिल सके, अपनी समस्याओं को उनको बता सकें, वैसा प्रत्याशी चाहिए और शिक्षित रहना चाहिए और विकास करने में रुचि रखे। बार बार दारा सिंह पे बता रहे थे कि दारा सिंह बहुत कोई विकास कार्य अच्छा नहीं किए हैं, और ना तो अच्छा था उनका धरातल, और उनको बीजेपी छोड़ने का वजह यही था कि जब कोई कार्य नहीं किए थे और तो क्या गिनाएंगे, और हो सके तो बीजेपी से टिकट भी नहीं मिलना था, इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ के और सपा का दामन थामे। क्या नाम है भैया? अजय। 2022 में किसको चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भी तो बीजेपी यहाँ से दारा सिंह चौहान भी तो रहे हैं, और हाँ दारा सिंह चौहान रहे, दारा सिंह चौहान स्वार्थ साधने के लिए थे, यहाँ की जनता को ठगने के लिए थे। अब जान गए थे कि ऊपर से इनकी दाल गलने वाली नहीं थी तो फिर दूसरी पार्टी में चले गए। तो आखिर किस नज़रिए से उनको देखते हैं? किस नज़रिए से देखते हैं? मऊ तो जैसे ये हो गया कि ये कोई भी आएगा लूट के चला जाएगा, जब से कल्पनाथ राय यहाँ से चले गए मऊ की कोई दिशा दिशा बनी नहीं। यहाँ के युवाओं भी ये चल रहा है कि बाहरी भगाओ मऊ बचाओ का, हाँ? इस पे विशेष चल रहा है, तो चल रहा है भाई। लोग सोच रहे हैं कि अब ये बीसों साल से आकर के ये तीन बार ये दारा सिंह चौहान दो बार राज्यसभा में रहे, एक बार लोकसभा में गए, फिर इसके बाद भाजपा में आए तो वो कैबिनेट मंत्री बने, वन विभाग मिला, कुछ नहीं दिखा, कोई सड़क तक नहीं है। लेकिन भाई उनके लोग बोले काम होता है, काम होता है। अब घोसी गए हैं, जाके घोसी की जनता खुश करें, यहाँ की जनता तो उनसे खुश हो गई, जितना खुश होना था खुश हो गई। यहाँ कैसे प्रत्याशी होना चाहिए? यहाँ का लोकल बॉडी प्रत्याशी होना चाहिए, मऊ जिले का होना चाहिए, दमदार प्रत्याशी होना चाहिए, जो अपनी बात जाके सदन में रख सके, यहाँ की समस्याएँ जाके सदन में रख सके, वैसा प्रत्याशी होना चाहिए। तो आप यहाँ प्रत्याशी लोकल ही चाहते हैं? हाँ, 2022 में हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी से कितना खुश हैं और कितना नहीं? कार्य से तो उसके हम संतुष्ट हैं, कार्य से उसके संतुष्ट हैं, बल्कि सारा कार्य जो कर रही है वो जनहित को देखते हुए किया जा रहा है। कोरोना काल में विश्व के लगभग विकासशील देश और विकसित दोनों देशों की स्थिति चरमरा गई, लेकिन भारत में उसको काफ़ी सुदृढ़ रखा गया, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी से बेटर कोई और। नमस्कार, मैं हूं कमलेश कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त मोहम्मदाबाद 355 विधानसभा दौलसेपुर ग्राम सभा में आ चुके हैं। जानते हैं 2022 में जनता का क्या राय है, किसको 2022 में विधानसभा मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? क्या नाम है? प्रवीण कुमार राजवा। 2022 में किसी से चाहते हैं? सर मैं किसी को नहीं चाहता हूं, क्योंकि काम कोई करता ही नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब आरक्षण मुझे चाहिए, आरक्षण कोई देगा ही नहीं, मैं जान रहा हूं। आरक्षण पहले से ही नहीं दिए हैं लो, आज भी नहीं देंगे लो। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, कोर्ट कचहरी में जाने के बाद इंसान जब 5 फेरा 10 फेरा मारता है कोर्ट कचहरी में, वहाँ पे 50 साल 2 साल 20 साल 30 साल 80 साल लग जाता है। आपका नाम? राजभर।
2022 में केकर सरकार चाहत हम तो चाहते हो अखिलेश राजभर का, अरे अखिलेश यादव का, अखिलेश राजभर का ना अखिलेश यादव मुलायम। आखिर का उनके में खासियत दिखल बा आपके? अरे भाई हमारा नेता जो ओम प्रकाश राजभर हैं, गठबंधन है, गठबंधन में तो सभी के साथ चले जाते हैं। अरे भाई ठीक है, जहाँ वो जाएंगे तो हम जाएंगे, कहीं भी वो चले जाए हमारा वो बस उनके साथ है, वो जहाँ जाएंगे तो हमको मारना है। तुम प्रकाश राजभर एक राजभर है और एक राजभर भी आप हैं, तो क्या राजभरों के पर ही जाएंगे? राजभर राजभर को ही जाएगा क्या? क्या इस बार समीकरण बिरादरीवाद पे ही वोटिंग होगा क्या? हाँ भाई सब चल रहे हैं बिरादर, हम भी चलेंगे बिरादर पर, सब बिरादर पे ही वोट जाएंगे। हाँ जाएगा। ये हमारे साथ थे जो श्री ओम प्रकाश राजभर को ही बार बार कह रहे हैं, क्या नाम है चाचा? इंद्रजीत यादव। 2022 में केकर सरकार चाहती थी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश में क्या दिक्कत है आपको? सब सही है अखिलेश यादव में, हर चीज सही है। भाजपा सरकार में लड़का मोबाइल आई साढ़ जवन हम इतना काफी हो गल, वहाँ के देखा दवाई लेके जाते हैं छींटे खातिर, इतना काफी है वहाँ। अब ऐसे आगे क्या बताएं, इस सरकार जल्दी हट जाए तो छुट्टी हो जाए। लड़का को नौकरी तो बनौले है, जगह जगह गौशाला भी तो बना ला। गौशाला में तक भी यहाँ से ढेर मरत है वहाँ। हाँ का सरकार चले यहाँ लोग खाली बस घपलाबाजी घपलाबाजी ये चलत है सरकार में। हाँ सरकार से खुश ना है ना केहू, ना जनता खुश, ना लड़का खुश, केहू ना खुश। यहाँ के श्रीराम सोनकर भी तो विधायक रहल। अरे उनका तो लापता हो गल, मीडिया वाले चला दिल कि यहाँ का विधायक लापता है, सोच लीजिए। तब तब किसी का अगर फिर श्रीराम सोनकर फिर आपके अगर आवत हम तो का उनसे अब ना करिए, लापता हूँ। हाँ हाँ अब न करिए श्रीराम सोनकर से एकदम खपा बाड़ी का खपा ना एकदम लापता हूँ, पते ना उनकर न यहाँ आइए यहाँ तो जीतबो ना करिए। अगर आपके आ जाइए फिर तो आप क्या उनके सोचले उनके बारे में? अरे जैसे अब खेदाल जा तो वही तो खेदल जाइए यहाँ से। हाँ साढ़ावन नहीं है। ये हमारे साथ थे जो क्या नाम है भाई साहब? शशिकांत चौहान। 2022 में किसके साथ जाते हैं? भाजपा की। भाजपा की, भाजपा में क्या है? बहुत कुछ है सर। कोई पाँच कार्य गिना दीजिए। हाँ कोई पाँच कार्य गिना। पाँच कार्य सर, नोटबंदी, GST, तीन तलाक, बहुत से ऐसे काम किए हैं जी। तो तीन तलाक से कितने लोग खुश हैं? बहुत लोग खुश हैं। जो मुस्लिम कंट्री तो कर रही है और महंगाई तो अब बात कर रहे हैं, महंगाई तो सीमा पार चुकी है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? जी महंगाई सीमा पार नहीं कर चुकी है। कड़वा तेल आप 100 रुपया, कड़वा तेल 200 रुपया में किन रहे हैं? 200 रुपया इसका कारण है ना, किसान लोग है सिर्फ गेहूँ बोते हैं, गेहूँ काटते हैं, सरसों बोएंगे नहीं तो कहाँ सरकार देगी, कहाँ से आएगा, बाहरी विदेश में बोया जाएगा सरसों। अरे यहाँ के श्रीराम सोनकर तो विधायक रहे हैं 5 साल, बहुत मोहम्मदाबाद में विकास किए हैं ना वहाँ। एक तो सरकार बार बार गड्ढा मुक्त की बात करती है और गड्ढा ही गड्ढा दिख रही, मुक्त है कहाँ? मुक्त है ना, गड्ढा मुक्त है। अरे आपके सामने ही एक गड्ढा मुक्त, आप बोल रहे हैं गड्ढा मुक्त है, गड्ढा आपके सामने ही है, गड्ढा कहाँ है? मुक्ति है, सरकार बार बार नारा लगाती है और बार बार कहती है, तो कहाँ गड्ढा मुक्त है? गड्ढा मुक्ति है, आप नहीं करने देंगे तो आप कहाँ सरकार आएगी अद्दु करने के लिए जबरदस्ती? क्या कोई जबरदस्ती कर रहा है? जैसे गड्ढा आप कर रहे हैं कि मुक्ति नहीं है, उसके लिए अगर गड्ढा तू मुक्ति करने जा रहे हैं, चार लोग छेकने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। जाके तो वो तो PWD का होता है, उसमें तो किसी का होता नहीं है। ऐसा हुआ है ना, दो दिन काम रुक गया था। श्रीराम सोनकर से बहुत नाराज माना? श्रीराम सोनकर जो नाराज है नाराज रहने दो, हमें तो BJP कोट देना है, चाहे श्रीराम सोनकर आए या चाहे अखिलेश जी आए। अखिलेश जी आए? हाँ अखिलेश जी आए, भाजपा से अखिलेश जी आएंगे तो अखिलेश जी को मिलेगा ना। अरे अखिलेश जी कैसे आएंगे, उनका तो राष्ट्रीय पार्टी है, और वो कैसे आएंगे BJP में आएंगे? अखिलेश का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब आप BJP से नाराज हो के अखिलेश का ही नाम लेना चाहते हैं? अखिलेश का नाम इसलिए भाजपा में आ जाए, हम अखिलेश कोट दे देंगे। तो अखिलेश तो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो नहीं देंगे बस। श्रीराम सोनकर के बारे में इतना तो विकास दिख रहा है, विकास की बात आप लोग बार बार BJP विकास हम लोग किए हैं ना, कोई विकास नहीं दिख रहा है ना। वहाँ पे पानी की टंकी लग रही है, श्रीराम सोनकर ही दिए हैं, आप यहाँ भी आदमी जाते पानी की टंकी लगाने के लिए जगह देते हैं। वहाँ की बात बैजनाथ पासवान विधायक थे, उन्होंने कहा कि सब कार्ययोजना हमारी ही हुआ है, उसके बाद अब तक विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, जहाँ जहाँ हुआ है तहाँ तहाँ, बहुत जगह ऐसे है कि नहीं हो पाया है।
सब जगह सबको खुश करना सबके यत्न के हित में नहीं हो पाएगा। ये हमारे साथ भाई थे जो बहुत बीजेपी से बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ताकि बार बार अखिलेश का नाम ले रहे हैं, बीजेपी का नहीं, ये श्रीराम सोनकर का नहीं, बार बार अखिलेश का नाम ले रहे हैं, जो कि अगर अखिलेश यादव अगर हमारे पार्टी में आएंगे तो हम उनका भी सम्मान करते हैं और टिकट देंगे। 2000 ये बेरोजगारी के वजह से युवा एकदम नाराज चल रहा है और युवा सारे चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए, नौकरियां मिले, एकदम रोड पे जैसे सांड घूम रहे हैं उसी तरह युवा घूम रहे हैं और सारे युवा जितने भी हैं सारे बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है और नौजवान यही सोच रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार आए और सारी सुविधाएं और सारी नौकरियां जितनी हैं मिले कम से कम। बीजेपी तो कह रही है कि हमारे यहाँ तो गुंडा राज है ना, तो कुछ है और एनी टाइम कभी भी रात को लड़कियाँ सुरक्षित हैं और सभी लोग सुरक्षित हैं, आप कह रहे लड़की सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। अरे सर आप अभी हाथरस की कहानी आप सुने होंगे, आप तो डिबेट पे गए होंगे, अब कहाँ आप देख लीजिए कहाँ लड़कियाँ सुरक्षित है, कहाँ उन्हीं के घर पे उनकी लाश को नहीं दी, उनके परिवार में दिया गया, जला दी गई, प्रशासन वहाँ पे गया, लखीमपुर का आप देख लिए मामला, कहाँ पे बताइए अपराधी कहाँ, जहाँ पे अपराधी की बात कर रहे हैं अपराधी उनके खुद पार्टी में हैं, जितने बड़े बड़े संरक्षक हैं जितने सारे संरक्षण उनको दे रहे हैं पार्टी में, तो ये गलत है किसी को अब जेब लगाना कि नहीं मेरे में है या वो है, ऐसी बात नहीं है। इस बार तो बीजेपी टिकट अधिक से अधिक पिछड़े वर्ग को ही टिकट दी, इसमें क्या है आपकी? देखिए आधे से अधिक तो ये अखिलेश जी भी दे रहे हैं, सारे पिछड़ों को भी दे रहे हैं, सबको मिला के चल रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। और जितनी दागियों की बात तो सबसे ज़्यादा तो वो भी दिए रहे हैं अपने टिकट, बीजेपी भी दे रही है अपराधियों को। आपका कहना है कि बीजेपी भी अपराधियों का टिकट बहुत ज़्यादा दे रही है? क्यों नहीं दे रही है भैया, वहाँ पे जा रहे हैं तो दूध का दोना हो जा रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अपराधी है, तो हम अगर ले लें तो सब सही है और दूसरा अगर कोई ले ले तो गलत है। और अखिलेश जी ऐसा नहीं करते हैं कि नहीं अपराधी है, चाहे कोई अखिलेश की सरकार आती है, युवा हो चाहे किसी को, बूढ़े बुजुर्ग हो चाहे नौजवान, जो भी है खुशहाल रहता है और रहेगा भी अखिलेश की सरकार आएगी। यहाँ के श्रीराम सोनकर विधायक रहे हैं और 5 साल में उन्होंने कितना विकास कार्य किया है? 5 साल में क्या, वो तो कभी अभी नज़र नहीं आई है। इस दौलसेपुर चट्टी पर आप किसी से आप पूछ लीजिएगा, पहले वो श्रीराम सोनकर आते थे तो उनको इज्जत मर्यादा देते थे लोग, यहीं के लोग जो वोट दिए हैं, जो इसके पहले ये संदीप राजभर जी बोल रहे थे कि नहीं श्रीराम सोनकर जी हम लोग अगली बार भाजपा से वोट दिए थे, पूछ लीजिए, इन्होंने कहा कि मेरा कम से कम उस स्थिति से हैं, इन्होंने कहा कि मेरा आवास थोड़ा सा वो कर दीजिए, वो कहे ठीक है। उसके पहले यहाँ पे मशीन नहीं थी, जो बैजनाथ पासवान ने वो मशीन गढ़वाए हैं, उन्होंने कहा ठीक है मैं गढ़वाऊँगा, लेकिन आज तक 5 साल के भीतर में 1-2 बार आए होंगे, वो भी पर्सनली किसी के निमंत्रण वगैरह में आए होंगे, और से कोई किसी से पूछ लीजिए कि कोई नहीं आए। यहाँ की जनता श्रीराम सोनकर से बहुत काफ़ी नाराज़ है और अब जो जनता उसमें आप सुने ही हैं संदीप जी से क्या कहें। ये हमारे साथ युवा थे जो बार बार बीजेपी के श्रीराम सोनकर पे कह रहे हैं कि कभी आज तक श्रीराम सोनकर को हम देखे ही नहीं है, अच्छा होना चाहिए। आप कर रहे हैं इस बार आरक्षण की बात कर चुके हैं और उस पर बात भी हो गई है, उनकी चर्चाएं भी हो चुकी है। हाँ तो ओम प्रकाश से मैं खुश हूँ ना, ओम प्रकाश अच्छे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं खुश हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा मैं उनको लाइक करता हूँ। क्या नाम है? राम समझ राज। 2022 में किसी से चाहते हैं? हम तो ओम प्रकाश जी के साथ में हैं, जहाँ भी रहेंगे वहाँ सरकार बनाएंगे। प्रकाश तो इस बार सपा से गठबंधन। हाँ तो अखिलेश यादव को हम चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और हमारी जो मांग है पूरा करें। तो क्या मांगे आपकी हैं? हमारी वही मांग है जो 70 बिरादरी का आरक्षण वाला मामला है, सामाजिक जो जनगणना वाली जो बात हो रही है, इस तरह के बहुत सारे बेरोजगार भी लोग घूम रहे हैं और इस सरकार में कोई वैकेंसी निकल नहीं रही है, तो हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए और हमारी जो मांग है तरतार गिना रही है और आप करें योजना ही नहीं, नहीं नहीं वो जहाँ गिना रहे कागज में गिना रहे हैं। अभी तो पे एग्जाम भी हुआ है। हाँ तो क्या योजना ही में तो है? अरे योजना में लेकिन वो सफल नहीं ना हुआ है, सफल कहाँ हुआ बताइए? इस बार तो सफल हो गया है। नहीं नहीं इस बार भी सफल नहीं हुआ है और वो एक चुनावी एजेंडा है उनका, 5 साल में जो वैकेंसी नहीं की वो क्या करेंगे बताइए? ये तो एक राजनीतिक एजेंडा है, वो कर रहे हैं, बताइए फाइनल हो पाएगी? जो भी भर्ती निकाले वो फाइनल हो पाएगी इनकी सरकार में? तो इस तरह से किसको चाहते हैं? हम चाहते हैं अखिलेश यादव को, उनकी सरकार बने, हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर है, उनका अलायंस है वहाँ, हम उनके माध्यम से चाहते हैं और मीडिया के सामने मांग करते हैं कि जो 17 बिरादरी का है उस पर पहले काम करें। जब कि श्रीराम सोनकर विधायक रहे हैं 5 साल हो गया है, क्या श्रीराम सोनकर भी कोई विकास नहीं किए हैं क्या? कुछ नहीं आए तक नहीं है, आए नहीं है वो, यहाँ आए नहीं है वो, किसी भी राजभर बस्ती में गए नहीं है,
बताइए कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे वोट मांगने के लिए? तो श्रीराम सोनकर किस नज़रे से आप देखते हैं? हम उनको अच्छे नहीं, पहले बहुत सुना करते थे और बहुत अच्छा समझ करके हम लोगों ने अगली बार बीजेपी को वोट मारा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। न श्रीराम सोनकर आए, हमारा जो मेन मुद्दा था आरक्षण उसको लागू नहीं किया, हम इससे बहुत दुखी हैं। अगली बार बीजेपी को वोट दिए, इस बार सपा को वोट देंगे, इसमें क्या? अरे भाई, हमारे मांग जो हमारी मांग की बात करेगा हम वहाँ जाएंगे। हमारे नेता ओम प्रकाश, तो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में भी किए थे, तो क्या हुआ? तो वहाँ नहीं मान हुई तो हम यहाँ चले आए, जहाँ हमारे नेता जाएंगे वहाँ जाएंगे हम। आखिर हमारे नेता वहाँ तो मांग तो कर रहे हैं ना कि हमारा बात, हमारा रक्षण का वहाँ हमारा मुद्दा तो उठा रहे हैं ना। देखिए 2004 से लड़ाई चल रही है, वैसे तो हम संविधान 1950 में हमारा आरक्षण मामला उसी में फंसा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि हमारी मांग तो लंबी है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव 2004 में जब वो भेजे यहाँ से प्रस्ताव बनाकर 17 बिरादरी का, तो हमारा जो शुरुआत तो मुलायम सिंह यादव जी ने किया, फिर अखिलेश जी किए, फिर जोगी जी किए, लेकिन जोगी जी भी मुलायम सिंह ने कहा कि हमारी सरकार केंद्र सरकार में, हमारी सरकार जो है सिर्फ यूपी में है, केंद्र में है नहीं, तो इसलिए आप केंद्र सरकार नहीं करें तो हम क्या करेंगे। लेकिन बीजेपी तो केंद्र और दोनों में है ना, आखिर क्यों नहीं की? तो विश्वास होता है कि नहीं होता है कि नहीं भाई, हमारा काम दोनों जगह सरकार, डबल इंजन की सरकार है, हमारा काम होना चाहिए। तो इस तरह से भाई हम तो पूरी तरह से नाराज हैं, हम ही नाराज, 17 बिरादरी के लोग नाराज हैं इसमें। हमारे साथ ये युवा थे, इनको बहुत बीजेपी। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार।